सोमवार से शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से बचाव हेतु तीसरी बूस्टर लगाना प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत निगम भिलाई के सभागार में भी निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसका लाभ उठाया। छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 15 जगहों पर कोरोना रोधी तीसरा बूस्टर लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार में भी बतौर फ्रंटलाइन वॉरियर्स निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था बनाई गई है। इस तृतीय टीकाकरण अभियान में नगरपालिका निगम भिलाई की तरफ से नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना टीकाकरण करवाया एवं अन्य जनमानस को इसके प्रति जागरूक भी किया। जिन लोगों को द्वितीय वैक्सीनेशन लगाए 9 माह से पूर्व हो चुके हैं, उन सभी ने इस विशेष आयोजन में अपनी उपस्थिति देकर खुद को कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु तैयार कर लिया है। निगम भिलाई की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि ने इसकी जानकारी ग्रैंड एसीएन न्यूज को दी। जैसा कि आज 10 जनवरी है और आज से FLW मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जाना है। ये बूस्टर डोज ऐसे FLW को लगाया जाएगा जिनका 9 महीना या 39 सप्ताह पूर्ण हो गया है, 9 महीना पूर्ण हो गया है, उनको ये डोज लगाए जाएंगे। इस डोज में जैसे कोविशील्ड का लगभग उस समय दौर पर लगाया गया था, तो वो वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 15 पॉइंट्स तैयार किए हैं, जो पांचों हमारे जो निगम नगर निगम के जोन हैं वहाँ पर भी हमारे जो नगर निगम के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। हेड ऑफिस में व्यवस्था की गई है, 77 जो MLD है वहाँ पर भी सेंटर बनाया गया है, 3 पुलिस के जो केंद्र हैं वहाँ बनाए गए हैं। इस प्रकार के कुल 15 केंद्रों पर हम लोग आज FLW के लिए वैक्सीनेशन का जो दौर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि जिन भी जो FLW हैं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं जिनको पहले डोज लग चुका है, वो अपने मोबाइल नंबर की जानकारी के साथ जिस नंबर को उन्होंने पहले प्रवेश कराया था और अगर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो तो उसके साथ में वो अपना संपर्क स्थापित करके इन केंद्रों पर अवश्य बूस्टर डोज लगवाएं। सर, मैं शास्त्री अस्पताल गया था, वहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा मैंने देखा जो अभी तक पहला डोज नहीं लगाए हैं, क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? देखिए, अभी जैसे जो कोविड के जो अभी केसेज आ रहे हैं उनके जो डेटा के आधार पर अपन देख रहे हैं कि जो जिन्होंने कोविड डोज नहीं लिया है ऐसे केसेस काफ़ी मतलब बिगड़ रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने कोविड डोज नहीं लगवाया है वो अविलंब अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के डोज लगवाएं, क्योंकि 15 केंद्रों में हम लोगों ने जो हमारे 5 स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी हम लोगों ने बूस्टर डोज की व्यवस्था की हुई है। जिस प्रकार अब तक कोरोना संक्रमण से जंग लड़ने के लिए लोगों ने अपने वैक्सीनेशन कर आए हैं, उसी तरह ये तीसरा बूस्टर लगवाकर हम सब कोरोना वायरस के संक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित हो पाएंगे। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।